मैथपुर तहसील के ग्राम जीवड़ी में विद्युत मंडल के असिस्टेंट इंजीनियर प्रणेश कुमार की तानाशाही रवे से परेशान होकर किसान टिकम सिंह ने आत्महत्या कर ली, जिससे आक्रोशित क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम करते हुए विद्युत मंडल का घेराव किया। वही किसानों ने प्रणेश कुमार पर बिल का भुगतान हो जाने के बावजूद भी दोबारा बिल जमा करने के लिए दबाव बनाने के जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। इसके अतिरिक्त और भी अनेक किसानों के इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। यदि किसानों की माने तो विद्युत मंडल द्वारा आए दिन किसानों के घर से बिल भुगतान के एवज में उनके घर से मोटरसाइकिल, पंखे तथा और भी कई घरेलू सामान के साथ कृषि उपकरण भी निकालकर ले जाते हैं। किसानों ने जब अपनी बात जगदीश गोमे तथा इंजीनियर शर्मा के समक्ष सामने रखी तो उन्होंने भी मामले में किसानों से की जा रही अवैध वसूली और बदसुलूकी को सही माना एवं उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उसकी मोटर निकाल कर विद्युत मंडल में जब्त कर ली गई और सिर्फ आत्महत्या करने का केवल कारण ही नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए के पीछे आज अपने किसानों की भर्ती सु का कारण जाने और आने वाले कल में ये जो तानाशाही वसूली इसको रोका जाए, वरना अगर ये किसान साथी को हम अभी रोके हुए, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ही सब काम हो और हम आपका सहयोग भी करना चाहते हैं। बाकी स्थिति आप देख रहे हैं, आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें और स्थिति को शांत करने की कोशिश करें, मैं भी आपके साथ में हूं। और इस आत्महत्या का कारण जाने और इसको आने वाले कल में और किसान इस स्थिति से नहीं गुजरे, हम यही आपसे चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताएं और उनको यहां पर बुलाएं ताकि हम उनसे हमारे हित की जो बातें कर सके। जो घटनाक्रम हुआ है बड़ा दुखद घटनाक्रम है। इस संबंध में मर्ग कायम हुआ है और जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सबको बुलाना ही पड़ेगा, सब तभी जाएंगे। टीआई साहब जाबरा गए हैं। डी साहब, डी साहब, सुपरवाइजर साहब को बुला लो, हम बात कर रहे हैं। पांच दिन से आगे बचा टीवी वाले आए थे और बिल जमा था, उसके बावजूद भी बोले कि तुम्हारा बिल जमा नहीं है। और उन्होंने बोला भी सही, रसीद देखो कंप्यूटर में देखो, तो उन्होंने मना कर दिया कि कंप्यूटर में एंट्री नहीं है। फिर बॉस को बोला कि हमारा बिल भरा हुआ है, फिर भी मना कर दिया। तो उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर में देखा, रजिस्टर में एंट्री मिली उसकी और बिल जमा था हमारा। उसके बावजूद भी मोटर निकाल के लाए सर, और मोटर निकाल के लिया है वो, तो फिर मेरे पापा टेंशन में आ गए और तीन चार दिन तक खाना ही नहीं खाया, नया आया तीन तीन, और यहाँ भी दो तीन बार आ गए, फिर भी मोटर नहीं दी सर। और फिर उन्हें सुबह के निकलते तो शाम तक आते घर पे और खाना भी नहीं खाते, जबरदस्ती खिलाते तो